दिन भर की सभी बड़ी खबरों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको मिल सके हमारे हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। हेलो दोस्तों, लड़कियों के लेगिंग्स पहनने पर क्यों मच गया हंगामा? एक महिला ने यूनिवर्सिटी कैंपस के भीतर लड़कियों के लेगिंग्स पहनने पर चिंता जताई है। मरियन व्हाइट नाम की एक महिला ने यूनिवर्सिटी ऑफ नोट्रे डेम के लिए प्रकाशन करने वाली द ऑब्सवर के संपादक को एक खुला खत लिखा है। महिला ने लिखा है, मैं 4 बेटों की कैथोलिक माँ हूँ और मेरी एक समस्या सिर्फ लड़कियाँ सुलझा सकती है, वो समस्या है लेगिंग्स। मरियन व्हाइट ने कहा है कि वह लड़कियों को नग्न देखकर थक गई है। वह अपने 4 बेटों के साथ चर्च गई थी, लेकिन लेगिंग्स पहने लड़कियों के शरीर को नजरअंदाज करना बेहद मुश्किल था। यूनिवर्सिटी ऑफ नोट्रे डेम की लड़कियों को सुझाव देते हुए महिला ने लिखा है, जब अगली बार आप शॉपिंग के लिए जाए तो बेटी की माँ के बारे में सोचिए और लेगिंग्स की जगह जींस खरीदिए। मरियन ने लिखा है कि मैंने काफी इंतजार किया कि ये फैशन बदल जाएगा और इस तरह का खत लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ऐसा होते नहीं दिख रहा। मैं किसी को अपमानित नहीं करना चाहती हूँ और ना ही किसी के अधिकार को छीनना चाहती हूँ। महिला ने लिखा है कि चर्च में हमारे सामने युवा लड़कियों का एक ग्रुप जा रहा था। सबने टाइट फिटिंग की लेगिंग्स के साथ कमर से ऊपर के छोटे टॉप पहन रखे थे। कई लड़कियों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे लेगिंग्स नहीं है बल्कि शरीर पर केवल पेंट करा रखा है। लेगिंग्स से नग्नता झलकती है। महिला ने लिखा, भीड़ में इन युवा लड़कियों को देखकर मैं शर्मिंदा हो गई। मैं अपने आसपास खड़े दूसरे लड़कों के बारे में सोचने लगी। कोई भी उनके हिप्स देखने से खुद को नहीं रोक पा रहा था। मैं उन्हें नहीं देखना चाहती थी, लेकिन फिर भी उन्हें नजरअंदाज ही नहीं किया जा सकता था। युवा लड़कों के लिए इन्हें इग्नोर करना कितना मुश्किल होगा। मरियन ने आगे लिखा है कि मैं घबरा रही थी क्योंकि असभ्य लड़के अजीब तरीके से उन लड़कियों को घूर रहे थे, जबकि अच्छे लड़के घूरने से बचने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे थे। महिला ने खत में आगे लिखा है कि मैं तुम्हारी नग्नता को कंबल से ढकना चाहती हूँ और तुम्हें सुरक्षित बनाना चाहती हूँ। मैं अपने बेटों की आंखों पर पट्टियां बांध देना चाहती हूँ ताकि वो तुमसे बच सके। इसके बाद सोशल मीडिया पर इस पोस्ट को लेकर विरोध शुरू हो गया। कई महिलाओं ने लेगिंग्स के साथ अपनी तस्वीरें पोस्ट की। फिलोसफी की पढ़ाई कर रही जेरेंट ने लिखा है, मरियन के खत से ऐसा लग रहा है कि लड़कियों का फिगर होना ही गुनाह है। वही एक अन्य यूजर ने लिखा है कि यह खत उसकी मानसिकता से लिखा गया है, जिसमें रेप होने पर लड़कियों को ही दोषी ठहराया जाता है। पिकानो नाम की महिला ने लिखा है, अगर नग्नता गलत है तो महिला को अपने बेटों को समझाना चाहिए कि वे बीच पर हर वक्त पूरे कपड़ों में जाए। महिला के अपने ही तर्कों के मुताबिक धूप में खेल रहे हर पुरुष को खुद पर शर्म आनी चाहिए। एक माँ होने के तौर पर उन्हें अपने बेटे की परवरिश ऐसी करनी चाहिए कि वे किसी की बेटी को अपने शरीर से आकर्षित करने की कोशिश ना करें। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर जरूर करें। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आपको मिल सके हमारे हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। धन्यवाद।